हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल और नॉलेजेबल हब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता लग गया है कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रांस में हो रहे दंगों के बारे में और इस टॉपिक को हम पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्रांस के दंगों का कारण क्या है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि फ्रांसीसी सरकार इन दंगों को रोकने के लिए क्या कर रही है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन के दूसरे देशों पर इन दंगों का क्या असर पड़ रहा है। चौथे नंबर पर हम देखेंगे कि मुस्लिम कंट्रीज़ और उनके लीडरों ने क्या प्रतिक्रिया जाहिर करी है इस सारी सिचुएशन पर। पांचवें नंबर पर हम उस मुहिम के बारे में बात करेंगे जिसके तहत दुनिया के तमाम देश फ्रांस के प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहे हैं। और लास्ट में हम अपने देश की बात करेंगे कि मोदी सरकार ने इन सारी सिचुएशन पर क्या प्रतिक्रिया जाहिर करी है। तो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं फ्रांस में हो रहे दंगों के कारणों पर। ये सारा किस्सा शुरू होता है फ्रांस के एक क्लासरूम से। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में एक टीचर थे जिनका नाम था सैमुअल पैटिनसन। इस टीचर ने क्लास में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखा दिया था, जिस बात से गुस्सा होकर 17 साल के मुस्लिम लड़के ने इस टीचर का चाकू से गला काटकर मार दिया। बाद में पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। और इस सारी सिचुएशन पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बोले कि इस तरह की कट्टरपंथी ताकतों को देश में पनपने नहीं दिया जाएगा और इन्हें फ्रांस में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि फ्रांस एक सेकुलर देश है जहाँ हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की पूरी आज़ादी है। इसके बाद में फ्रांस के एक चर्च में एक मुस्लिम लड़के ने उस चर्च में घुसकर 3 लोगों को चाकू से मार दिया। और अगर हमें इस सिचुएशन को अच्छे से समझना है तो हमें समय में थोड़ा पीछे जाने की ज़रूरत है। जब लीबिया और सीरिया जैसे देशों में युद्ध चल रहा था तो वहाँ के लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश की ओर जा रहे थे, और उस समय ज़्यादातर मुस्लिम देशों ने इन लोगों को अपने यहाँ पर शरण देने से मना कर दिया था। उस टाइम पर फ्रांस ही एकलौता ऐसा देश था जिसने इन मुस्लिम लोगों को अपने यहाँ पर शरण दी और रहने की अनुमति दी। अब बात करते हैं कि फ्रांस की सरकार इन कट्टरपंथी ताकतों को रोकने के लिए क्या कर रही है। फ्रांस की सरकार ने अपने देश में इस तरह के दंगों को रोकने के लिए 8,000 पुलिसमैन को उतार दिया है और उनको फ्री हैंड दे दिए हैं ताकि वह इस तरह के दंगों को होने से रोक सकें। और इस तरह की कार्यवाही पर प्रेसिडेंट मैक्रोन के अपोजिट मरीन लापेन, जो उनकी कट्टर विरोधी भी हैं, वह भी प्रेसिडेंट मैक्रोन को फुल सपोर्ट कर रही हैं। 30 अक्टूबर को फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने ट्वीट करके बताया कि फ्रांस के एयरफोर्स ने अफ्रीकन देश माली में एयर स्ट्राइक करके अलकायदा के 50 आतंकवादियों को मार गिराया है। और इस एयर स्ट्राइक में फ्रांस ने ड्रोन अमराज 2000 फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया है। और इस एयर स्ट्राइक से फ्रांस ने मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतों को बता दिया है कि अगर कोई फ्रांस की ओर गंदे इरादों से देखेगा तो उसका भी यही हाल होगा। और अब फ्रांस भी इसराइल के नक्शे कदमों पर चलने जा रहा है। फोर्थ नंबर पर बात करते हैं कि इस सिचुएशन पर इस्लामिक कंट्री और उनके लीडरों ने क्या कहा। सबसे पहले बात करते हैं टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के बारे में। अर्दोगन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के अगेंस्ट बोलते हुए कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन दिमागी रूप से बीमार हैं और उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। और उन्होंने फ्रांस में रह रहे मुस्लिम मूल के लोगों को कहा कि वह सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करें, और यही वो कारण था जिससे फ्रांस में हो रहे दंगे और ज़्यादा भड़क गए। वैसे तो टर्की देश खुद यूरोपियन यूनियन में आता है, लेकिन टर्की के राष्ट्रपति अपने आप को मुस्लिम जगत खलीफा बनाना चाहते हैं और वह ओटोमन साम्राज्य को वापस लाना चाहते हैं। अब बात करते हैं टर्की जैसे एक और मुस्लिम देश की, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ्रांस के राष्ट्रपति की जमकर आलोचना की है, और पाकिस्तान सरकार ने अपनी संसद में एक बिल पास किया है जिसके तहत पाकिस्तान सरकार अपने राजदूत को फ्रांस से वापस बुला रही है। लेकिन बिल पास करने के बाद में पाकिस्तान सरकार को पता चला कि उनका कोई राजदूत फ्रांस में है ही नहीं। और पाकिस्तान की जनता तो यह भी बोल रही है कि पाकिस्तान सरकार को फ्रांस पर एटम बम से हमले कर देने चाहिए।
बात करते हैं मलेशिया की। वैसे तो मलेशिया जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद ने 29 अक्टूबर को ट्वीट करते हुए बोला कि मुस्लिम लोगों को फ्रांस के लोगों पर गुस्सा करने या मारने का पूरा हक है। और इस ट्वीट के बाद उनकी पूरी दुनिया में कड़ी आलोचना की जा रही है। फिफ्थ नंबर पर बात करते हैं उस मुहिम की जिसके तहत दुनिया के कुछ मुस्लिम देश फ्रांस के प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहे हैं। दुनिया के मुस्लिम देशों ने फ्रांस के प्रोडक्ट का बायकॉट किया जा रहा है और इसमें सबसे आगे टर्की, कुवैत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश हैं। और अगर बात करें इस बायकॉट का फ्रांस की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस बायकॉट का फ्रांस की इकोनॉमी पर कुछ खास इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फ्रांस की इकोनॉमी एक डेवलप्ड इकोनॉमी है और उसके प्रोडक्ट की रीचेबिलिटी आज पूरी दुनिया में फैली है। और अगर टर्की और कुवैत को हटा दिया जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की इनकम इतनी नहीं है कि वह फ्रांस के महंगे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकें। और अगर इन देश को फ्रांस का बायकॉट करना है तो सबसे पहले फ्रांस से अपने लोगों को वापस बुला लेना चाहिए। सिक्स्थ नंबर पर बात करते हैं कि मोदी सरकार ने इस सिचुएशन पर क्या बोला। सबसे पहले इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज करके फ्रांस में हो रहे दंगों पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ट्वीट करके फ्रांस के राष्ट्रपति का समर्थन किया है बिना यह सोचे कि इंडिया के मुस्लिम लोगों पर इस बात का क्या असर पड़ेगा। और अब यह समय आ गया है जब इंडिया को फ्रांस का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज तक फ्रांस ने इंडिया का हर सिचुएशन में सपोर्ट किया है। जब 1998 में इंडिया ने पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया था, जब पूरी दुनिया ने इंडिया पर सैंक्शन लगा दिए थे, तो फ्रांस और रूस ही एक लौते देश थे जिसने इंडिया का खुलकर साथ दिया था। और फ्रांस ने तो यह भी कहा था कि इंडिया के परमाणु बम प्रोग्राम से दुनिया के किसी भी देश को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया एक शांतिप्रिय देश है और वह अपनी इस परमाणु शक्ति को किसी देश पर इस्तेमाल नहीं करने वाला। और अगर दुनिया के मुस्लिम देशों को अब भी लग रहा है कि फ्रांस में मुस्लिम लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो उन देशों को चीन के बारे में भी सोचना चाहिए जो वीगर मुसलमानों पर इतने अत्याचार करता है। और चीन में तो मस्जिदों को तोड़कर उनकी जगह पर वॉशरूम और लीकर शॉप भी बनाई जा रही हैं। और अब फ्रांस की सरकार ने और कड़े कदम उठाते हुए एक बिल पास करा है जिसके तहत फ्रांस में अगर मुस्लिम प्रेग्नेंट लेडी जेंट्स डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने से मना करती है तो उस लेडीज़ को 5 साल की जेल और 75,000 यूरो का फाइन देना होगा, जो इंडियन रुपीज़ में 65 लाख रुपये के बराबर है। और अब फ्रांस के स्कूल में फ्रांस की सरकार द्वारा पास किए गए कोर्स ही पढ़ाया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने इसका विरोध किया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं और फ्रांस की सरकार द्वारा लिए गए एक्शन पर अपना ओपिनियन ज़रूर दें। आपके लिए कमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नॉलेजेबल हब।